का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया और अगले ही साल नागपुर में गांधी जी के पांचवें पुत्र बनकर उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। इसी अधिवेशन में ही बापू ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। देश ने बापू को अपना नेता माना और पूरे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। काका जी ने भी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अदालत से संबंध रखने वाले अपने सारे मामले भी हटा लिए। वकीलों के सामने एक समस्या थी। उन्हें डर था कि उनके काम न करने से उनके परिवार भूखे मरने लगेंगे। बापूजी ने स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने की अपील की। काका जी ने 1 लाख रुपया इस कोष में जमा करवा दिया। उन्हीं दिनों यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, जब तक भारत के पास जमनालाल जैसे बेटे हैं, उसे अपनी आजादी और गौरव पुनः प्राप्त करने में किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी वर्ष काका जी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। ये जिम्मेदारी सारी जिंदगी उनके कंधों पर रही। बापू का कहना था कि स्वराज स्वदेशी आंदोलन से ही मिल सकता है। उन्होंने खादी को स्वदेशी का आधार बनाया। काका जी को लगा कि इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने काकी जी से बात की। जानकी, बापू को कहना है कि विदेशी कपड़ों राक्षस का रूप में अपना देश में पड़ियो है। ई बापना हिंदुस्तान से निकालनो है। अपना घर में एक भी टुकड़ो नहीं रहे। कपड़ा ना गरीबा में बांट देवे तो कहियां रहे। अपना देश में तो बहुत लोगों के पास अंग ढकनों के लिए कपड़ा को नहीं। अहिया करने से तो अपनो पाप दूसरों पर चढ़सी। पाप तो जलाना की चीज है, पाप बांटते थोड़ी जावा। विदेशी कपड़ा की तो होली ही जलसी। लोगों ने मंगल अमंगल का ख्याल किए बगैर सभी विदेशी कपड़ों को आग दिखा दी। सगुन तक के कपड़े होम कर दिए। ये होली 7 दिन तक जलती रही। घर में सूत भी काटा जाने लगा और पूरी तरह से खादी पहनी जाने लगी। दिन किया था कि वे वर्धा में आकर आश्रम स्थापित करें और वहीं रहकर देश सेवा का काम भी करें। इसमें काका जी के 2 स्वार्थ थे। एक तो पिता का साथ उन्हें मिलता, दूसरे वो उनकी देखरेख में राष्ट्र सेवा का काम कर सकते। लेकिन बापू नहीं माने। फिर भी काका जी ने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। काका जी के कहने पर बापू ने विनोबा जी को सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। काका जी विनोबा जी के भक्त हो गए। उनके व्यवहार में गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन उतरा हुआ नजर आता था। पिता के रूप में बापू मिल तो गए, लेकिन वे काका जी को जब भी पत्र लिखते उसमें कई बार उनका संबोधन सुज्ञ भाई या भाई श्री जमनालाल जी रहता। काका जी ने एक पत्र में दुख प्रकट किया और लिखा कि शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं हूं। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, चिरंजीव जमनालाल, तुमको दुख हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ है। तुम चिरंजीव होने के योग्य हो या नहीं, अथवा मैं बाप का स्थान लेने योग्य हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में आशंका है, वैसे ही मुझे मेरे बारे में शंका है। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं बाप बन गया हूं। ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक बनावे। इसके बाद काका जी बापू के लिए हमेशा चिरंजीव ही बने रहे। स्वराज्य आंदोलन को जारी रखने के लिए बापू अब व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे। मार्च 1922 में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में सत्याग्रह की तैयारी और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। काका जी को खादी विभाग का संचालक बना दिया गया। लेकिन काका जी संगठन कार्यों के अलावा भी कुछ करना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका भी मिल गया। नागपुर में जलियांवाला कांड की स्मृति में झंडा जुलूस का आयोजन हुआ। इस जुलूस के लिए स्वयं सेवक को तैयार करने का काम काका जी के जिम्मे था। 17 जून की रात महात्मा भगवान दीन, बाबा साहब देशमुख और काका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काका जी की पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई और 3,000 रुपए का जुर्माना। काका जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया।
इसलिए हमारी मोटर और घोड़ा गाड़ी जब्त कर गई। जनता तो दूर, सरकारी अफसरों ने भी उन्हें नहीं खरीदा। जेल में काकाजी के साथ विशेष व्यवहार की आज्ञा हुई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया। आखिर सत्याग्रह सफल रहा। अंग्रेज सरकार को झंडा ले जाने पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लेना पड़ा। काकाजी को लगता था कि जब तक हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक स्वराज मिलना कठिन है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है धर्मों के आपसी झगड़े। काकाजी नागपुर तो जाते ही रहते थे। एक बार वहां पहुंचे तो पता चला कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर वहशियाना वार कर रहे हैं। दंगाइयों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन काकाजी घायलों को वहीं पड़ा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इतने में किसी ने एक पत्थर चलाया जो काकाजी के हाथ में लगा। उनके हाथ से बहते खून को देखकर ही दंगाइयों का खून ठंडा हुआ। सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाड़ा अधिवेशन के समय अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई, तो काकाजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। काकाजी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। समाज के इस मेहनती वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अछूतोद्धार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को वे तैयार थे। उन्होंने हरिजन बस्तियों में प्रचारक रख दिए और हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देने लगे। उन्हें यह भी लगा कि हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की छूट और मंदिरों में देव दर्शन की इजाजत मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बछराज धर्मशाला का कुआं हरिजनों के लिए खोल दिया। अब काकाजी ये कोशिश करने लगे कि बछराज द्वारा बनवाए गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार भी हरिजनों के लिए खोल दिए जाएं। 13 दिसंबर 1928 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, हमें न्याय के लिए लड़ते हुए तपस्या के द्वारा अपने पंचों को पवित्र बनाने की जरूरत है। यही काम जमनालाल कर रहे हैं। अंत में ट्रस्टियों ने हरिजनों के लिए मंदिर खोलने की परवानगी दे दी। माहौल में काफी तनातनी थी। उसी तनाव के बीच सुबह 8 बजे हरिजनों की एक टोली ने विनोबा जी के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। गोपाल हे नंदलाला, गोविंद गोपाल हे नंदलाला, 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 राधे राधे गोपाल। काका जी को इससे बड़ा सुख मिला। उन्होंने लिखा, वर्षों से जो ज्वाला सी मेरे मन में जल रही थी, आज वो शांत हो गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टियों में एक हरिजन को भी शामिल कर लिया गया। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की।